क्या क्या नाम भैया अपना? अच्छा, किस डिपो से हैं ये सर? जानकारी के अनुसार कितने सवारियों को आप अपने नेक्स्ट स्टेट में मतलब यूपी से बिहार लेके जा रहे हैं? 26 सवारी हैं। अच्छा, 26 सवारियों को आप यूपी सिद्धार्थनगर से बिहार लेके जा रहे हैं? कटिहार भी ले जाना है। अच्छा, कई लोग आप लोगों के साथ जा रहे हैं मतलब? ड्राइवर हैं, एक कंडक्टर। अच्छा, ड्राइवर एक कंडक्टर के साथ आप लोग निकलेंगे? कब निकलना है? चार बजे। अच्छा भैया, आप लोग आज सिद्धार्थनगर से अपने प्रदेश में और अपने ज़िले में जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस लॉकडाउन को लेकर? अच्छा, मतलब यहाँ आप सिद्धार्थनगर में आप सबको कोई दिक्कत हुई थी? अच्छा, यहाँ का प्रशासन चाहे वो DM या SP हो, आपका सबका सहयोग किया? हाँ, सब सहयोग किया हमको। तो और जिला प्रशासन के नेतृत्व में आप सबको फिर बिहार के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, जी सर। तो इसको आप लोग क्या किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से उसको देख रहे हैं। क्या नाम भैया अपना? जितेंद्र कुमार दास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार जिले के घर हुआ बलिया ढांगी। कितने साथी आपके साथ जा रहे हैं? 26 साथी। अच्छा, सब एक गांव से हैं या? हम लोग अलग अलग गांव के। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे बाहर के मजदूर जो काम करते हैं उसको भेजने के लिए कैसे आप बस की व्यवस्था करते हैं? ये जिलाधिकारी महोदय के जो है डिमांड पर प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक बस की डिमांड हुई है, जिसमें जो है बिहार राज्य में कटिहार तक भेजने के लिए जो है 26 प्रवासी श्रमिकों को जो है व्यवस्था की गई है एक बस की, जो सिद्धार्थनगर डिपो की बस नंबर UP 53DT 6746 से जो है इन 26 श्रमिकों को भेजा जा रहा है, जिसपे दो चालक एक परिचालक तैनात होंगे। बाकी फोर्स की व्यवस्था उस पर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से की जाएगी। दो चालक में एक लोको शुक्ला है और एक सुरेंद्र मिश्रा चालक जा रहे हैं और परिचालक रविशंकर सिंह उस पे जा रहे हैं। सर, इसके पहले भी मजदूरों को भेजा जा चुका है बाहर? हाँ, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश प्रबंध निदेशक महोदय के राज्य सड़क परिवहन निगम के निर्देशानुसार भी प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया है। बराबर भेजने की कार्रवाई चल रही, जब भी डिमांड आता है जिलाधिकारी महोदय के स्तर से तो यहाँ से गाड़ियां जो है उपलब्ध कराई जाती है, प्रवासियों को भेजा जाता है। और ये सिद्धार्थनगर डिपो हमारा हर समय तत्पर है श्रमिकों की मदद करने के लिए, बशर्ते हमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश का इंतजार रहता है। इस समय के दौर में सारे कर्मी आपके लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण क्या समय समय पर होता रहता है? हाँ, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं यहाँ पर, इनके समय समय स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कराई जाती है। और बस स्टेशन की, बरसात की सारी बसों की धुलाई सफाई और सैनिटाइज इनको कराया जाता है नियमित रूप से। सर, चूंकि रास्ता लंबा है यूपी से बिहार जाना है, तो इन श्रमिकों के लिए खान पान की क्या व्यवस्था करेंगे या होगी? ये रास्ता लंबा है, रास्ते में जो है स्थानीय प्रशासन लोगों की खान पान की व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको व्यवस्था।